जय श्री राम दोस्तों। वाल्मीकि जी की रामायण की तरह रामानंद सागर जी की रामायण से भी बहुत सी रोचक कथाएं जुड़ी हुई हैं, और ये कथाएं इतनी ज्यादा चमत्कारिक और हैरान कर देने वाली हैं जिसे सुनने के बाद आपको विश्वास तक नहीं होगा। वैसे तो रामायण सीरियल की बहुत सी कथाएं हैं, लेकिन काकभुशुंडी जी का किस्सा सिर्फ एक ऐसा वाक्या है जिसे बार बार सुनाया और बखान किया जाता है। तो सबसे पहले हम उस अजीबोगरीब किस्से के बारे में जानेंगे, फिर यह जानेंगे कि ये काकभुशुंडी जी हैं कौन और रामायण से उनका क्या कनेक्शन है। वाल्मीकि रामायण में हमने पढ़ा है कि काकभुशुंडी जी को जब ये पता चला कि भगवान विष्णु श्री राम अवतार लेकर धरती पर आए हैं, तो वो उनके दर्शन के लिए निकल पड़े। जब वो अयोध्या पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बालक रोटी खाते हुए रो रहा है और अपनी माँ को पुकार रहा है। काकभुशुंडी जी ने यह सब जब देखा तो उन्हें शंका हुई कि ये छोटा सा बालक भगवान हो सकता है जो ठीक से अपनी रोटी तक नहीं खा पा रहा है, जरूर ये कोई ढोंगी है। वो उस बालक की परीक्षा लेने के लिए आगे बढ़ते हैं और उसकी रोटी छीन लेते हैं। इसी प्रसंग को जब रामानंद सागर जी द्वारा फिल्माया जा रहा था तो उन्होंने इसका स्केच तो डिजाइन कर लिया था, लेकिन इसे शूट कैसे करना है यह समझ नहीं आ रहा था। इस सीन की शूटिंग उमर गांव के वृंदावन स्टूडियो में चल रही थी। यह जगह इसलिए चुनी गई थी क्योंकि इसके चारों ओर बहुत बड़े बड़े पेड़ थे जहाँ पर कौवे आसानी से मिल सकते थे। अब उस जमाने में कहां उतने VFX होते थे, मैक्सिमम शूटिंग असली जानवरों के साथ ही होती थी। शाम होते ही स्टूडियो के आसपास सारे कौवे चिल्लाने लगते थे। यह देखकर रामानंद सागर जी ने सारे यूनिट को कौवा पकड़ने के काम पे लगा दिया था, क्योंकि अगली ही सुबह उन्हें शूटिंग करनी थी जिसे वो किसी भी कीमत पर टाल नहीं सकते थे। कौवे आसानी से दिख तो रहे थे लेकिन उन्हें पकड़ना इतना आसान काम नहीं था। इसके लिए मीटिंग भी की गई, सभी ने इसमें ढेरों आइडियाज दिए, लेकिन एक भी कौवा पकड़ में नहीं आया। बड़ी मेहनत के बाद रात को 12 बजे तक 4 कौवे पकड़ में आए। सुरक्षा के लिए उन्हें एक एल्युमिनियम चेन से बांध दिया गया, लेकिन वो कहां शांत बैठने वाले थे। रात भर उन 4 कौवों ने 40 कौवों के बराबर उत्पात मचाया। अगली सुबह 9 बजे शूटिंग के लिए जब लोग उन कौवों के पास गए तो देखा 4 में से 3 कौवे भाग गए थे, बस एक ही बचा था। अब चूंकि अगले ही हफ्ते इस एपिसोड का दूरदर्शन पर टेलीकास्ट था, इसीलिए लेट करने का कोई सवाल ही नहीं उठता था। जिंदगी में कभी भी परेशान ना होने वाले रामानंद सागर जी उस समय पहली बार थोड़े तनाव में दिखाई दिए थे। आखिरकार शूटिंग शुरू हुई, भगवान राम के रोल में बच्चे को बैठा दिया गया। फिर रामानंद सागर जी ने बड़े ही विनम्र आवाज में कहा, काकभुशुंडी जी को बुलाइए। जब उस कौवे को लाया गया तो वो इतना चीख चिल्ला रहा था जिससे सेट पर मौजूद सभी लोग इरिटेट होने लगे थे। यह देखकर रामानंद सागर जी उठे, उस कौवे के पास गए और आत्मिक रूप से नमस्कार करते हुए कहा, हे काकभुशुंडी जी, मैं संकट में हूँ, कृपया आप मेरी मदद कीजिए। अगले हफ्ते एपिसोड जाना है, करोड़ों लोग देखेंगे, उनकी आस्था का सवाल है। यह देखने के बाद सेट पर मौजूद सभी लोग हैरान रह गए थे। ऐसा लग रहा था कोई ईश्वरीय चमत्कार हो गया हो, क्योंकि वह जंगली हो चुका कौवा एकदम शांत हो गया था, कोई हलचल नहीं, जैसे कि वो समझ गया हो कि रामानंद सागर जी उससे क्या कहना चाह रहे हैं। इसके बाद रामानंद सागर जी ने उसकी चेन खोल दी और कैमरे के पीछे आ गए। इसके बाद उस कौवे को जो भी आदेश दिया गया उसने सबका पालन किया। यह किस्सा आज भी जब भी किसी को सुनाया जाता है तो यकीन करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब आप रामायण सीरियल में काकभुशुंडी जी का वो सीन देखेंगे तो आपको इस किस्से पर पूरी तरह से यकीन होने लगेगा। सच ही कहा है किसी ने कि भक्ति में बहुत शक्ति होती है। अब आइए जानते हैं कि आखिर कौन है ये काकभुशुंडी जी जिसके बारे में इतनी बड़ी गाथा बनी हुई है। कहा जाता है कि जब भगवान शिव माता पार्वती को राम कथा सुना रहे थे, उसी वक्त ये कथा चुपके से एक कौवे ने सुन लिया। उसी कौवे का पुनर्जन्म काकभुशुंडी जी के रूप में हुआ, इसी कारण यह राम कथा धरती पर आ गई। उन्होंने इस कथा को पंछियों की महासभा में भी सुनाया जिसमें गिद्धराज गरुण भी शामिल थे। यह घटना वाल्मीकि रामायण से पहले घटित हो चुकी थी। भगवान शिव ने जो पवित्र राम कथा पार्वती जी को सुनाई थी वो आध्यात्म रामायण के नाम से जानी जाती है। काकभुशुंडी जी दरअसल एक परम ब्राह्मण थे जो लोमश ऋषि के श्राप के कारण कौवा बन गए थे। श्राप देने के बाद
लोमश ऋषि को थोड़ा पछतावा हुआ तो उन्होंने काक भुशुंडी जी को वापस बुलाकर राम मंत्र के साथ साथ इच्छा मृत्यु का भी वरदान दे दिया। कौवे के रूप में राम मंत्र के कारण उन्हें उस शरीर से प्रेम हो गया और वे कौवे के रूप में ही रहने लगे और आगे चलकर काक भुशुंडी जी के नाम से विख्यात हुए। तो देखा आपने, ये है रामायण की वो दुर्लभ कथाएं जिसके बारे में शायद ही कहीं पर चर्चा होती है। वैसे अगर आपने रामानंद सागर जी की रामायण देखी है तो काक भुशुंडी जी से तो भली भांति परिचित होंगे, और अगर नहीं भी जानते हैं तो यह वीडियो देखने के बाद तो आप जान ही गए होंगे। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको नया जानने और सीखने को मिला होगा, और इस तरह की रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।